एडमिशन से पहले मेरे बहुत ज़्यादा पेन था, तो मैं मैम के पास आई थी और अब आफ्टर मतलब ऑपरेट करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ है। यही लोकल जयपुर से। हमारे नॉन फ्रेंड है, उन्होंने हमें बताया था। थैंक यू मैम, मैम काफ़ी सपोर्टिव है और मतलब काफ़ी अच्छे से मैम ने बताया, डिस्क्राइब किया। क्या दूरबीन से इनका जांच किया अंदर, तो पता चला कि ट्यूमर ओवरी में ना होके फेलोपियन ट्यूब में था और फेलोपियन ट्यूब का ये ट्यूमर फट गया था। मैं इनको पहले भी कह रही थी जब ये मेरे पास आए थे कि मेरे को पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था, मैं इनको एक ही बात कह रही थी कि मैंने कहा या तो ये फट गया है ट्यूमर या ट्विस्ट हो गया है। कई बार जो भी गांठ होती है तो घूम जाती है, जिससे उसकी ब्लड सप्लाई हैम्पर होती है, रुक जाती है, उसकी वजह से काफ़ी पेन होने लगता है। इनका ये बीमारी काफ़ी टाइम से चल रहा था क्योंकि आंतें और आंतों के आसपास का जो फैट होता है यानी कि ओमेंटम होता है वो पेट में आपस में चिपक गया था, गांठ को पूरा कवर कर रखा था, तो केस थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो चुका था। इसीलिए हम सबको कहते हैं कि जैसे ही आपको बीमारी के बारे में पता चलता है उसका तुरंत इलाज करा लीजिए।